जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी. टुडे विल बी लुकिंग एट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2015 में लॉन्च किया गया था हरियाणा पानीपत में. ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट इट बिकॉज मेनी टाइम्स इट गेट्स आस्क्ड कि स्कीम सक्सेसफुल है नहीं है, क्या क्या हुआ इसमें, क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं. With an effort to make transition in the mere mindset of the people. Now, what happened earlier before this scheme, there was this prejudice that used to exist in the society regarding female and girl child. ठीक है, हरियाणा में especially बहुत ज़्यादा female feticide होता था. तो उस चीज़ को कम करने के लिए, because India में anyways male to female ratio बहुत कम है. ठीक है, तो female are very less as compared to men. तो उस चीज़ को, उस ratio को भी equal करने का ये था. गर्ल एजुकेशन इज लैकिंग अलॉट, उसको भी इक्वल करने का ये एक अटेम्प्ट था बाय द बीजेपी गवर्नमेंट. और ये किया भी गया हरियाणा में जहाँ बहुत ज़्यादा फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो दैट इज़ वट वॉज डन इन दैट एरिया और इम्प्रूवमेंट दिखा. ठीक है, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखा वो देखते हैं. सच एन इनिशिएटिव द सेक्स रेशियो हैज़ क्रॉस अप टू 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट आया है इन अ वेरी लेस टाइम. ठीक है, बीजेपी बींग द रनिंग पार्टी वी नाउ हैव मेनी वीमेन पुलिस ऑफिसर्स. अब इसके कारण क्या हुआ है, अभी रिसेंटली आपने देखा हुआ 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में वीमेन का. दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव अपग्रेडेशन इन द सिस्टम. दूसरा, पुलिस ऑफिसर्स जो थे पहले मेल बहुत ज़्यादा थे, वीमेन का रेशियो परसेंटेज बस 6% था, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 8.5. तो इतने कम टाइम में 2.5% ऑफ वीमेन ऑफिसर्स बींग इंक्रीज इज अ बिग अचीवमेंट एज वेल. गवर्नमेंट इज गिविंग अटमोस्ट प्रायोरिटी टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो मेनी टाइम्स देयर वर मेनी रीजंस, मल्टीपल रीजंस कि लड़कियों को कोएड स्कूल में नहीं भेजते थे, या स्कूल्स में इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं होते, या इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि फीमेल टीचर्स नहीं होती थी. देयर वर मल्टीपल सिक्योरिटी इशूज एंड अनदर इशूज जिसके कारण जो है पेरेंट्स वर रिलक्टेंट टू टीच देयर गर्ल चाइल्ड. बट दीज ऑल वर एड्रेस ऑल टुगेदर बाय द गवर्नमेंट सो दैट एजुकेशन लड़कियों का बढ़ सके. नाउ इसमें कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लूप होल्स भी आई. तो वो क्या आई, सबसे इंपॉर्टेंट लूप होल थी ये थी कि इसकी स्टैटिस्टिक्स क्लियर नहीं थी. तो इट फेल टू डिलीवर एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स, है ना. तो लोगों को एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं मिल पाया कि इसके पहले क्या था, इसके बाद में क्या हुआ, हाउ टू कंपेयर, व्हाट एग्जैक्ट परसेंटेज हैज इंप्रूव्ड, व्हाट हैज डिटेरियरेटेड, ये सारी चीज़ें हम कुछ भी प्रॉपर एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं आ पाया है. People need to trust बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम in order to support its practices and objectives. अब लोगों को इस स्कीम पर ट्रस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भी इसके अंडर ऑफिसर्स हैं उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता जाता है. तो जब तक ऑफिसर्स और नॉर्मल लोगों का, जो सिटीजन्स हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, तो तब तक जब तक वो एक फेथ डेवलप कर सके उसके पहले तो ट्रांसफर ही हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द कॉमन सिटीजन्स आर नॉट एबल टू बॉन्ड वेल ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो अपना जो है पूरा माइंड सेट चेंज कर सके, उनसे रिलेट कर सके, उनसे इन्फ्लुएंस हो सके, इसका टाइम नहीं मिलता. नेक्स्ट, हमारे ये जो माइंड सेट है, ठीक है, दिस ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट इज़ वेरी ओल्ड एंड इट इज़ सिटिंग इन साइड पीपल्स ब्रेन सिंस सेंचुरीज. तो इसको बदलना बहुत बड़ी बात है. और 2015 मतलब इट्स ओनली अबाउट 8 to 9 ईयर्स नाउ. ठीक है, तो इसको बदलना, इस पूरे माइंड सेट को बदलने में और टाइम लगेगा बिकॉज इट इज़ वेरी डीप रूटेड आइडियोलॉजी. तो दैट्स वाई ऑल्सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू चेंज. ओके, सो दीज आर ऑल द नेगेटिव्स, ऑल द क्रिटिसिज्म दैट बीबीबी हैज फेस्ड एंड ऑल द पॉजिटिव्स व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, हाउ इट वाज लॉन्च्ड, वेयर इट वाज लॉन्च्ड, व्हाट चेंजेस इट हैज मेड. फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. टिल देन कीप वॉचिंग. जय हिंद.